हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बैटरी बैकअप को ज़्यादा कर सकते हैं अपने पोको F1 में। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी पोको F1 में बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप दिया है क्योंकि इसका बैटरी कैपेसिटी है 4000 mAh, दैट मीन्स ह्यूज बैटरी। उससे आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप मिलना चाहिए। अगर फिर भी आप बैटरी इश्यूज, जो भी बैटरी के रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं तो उसको फिक्स करना चाहते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। एंड इवन आपका अगर बैटरी अच्छा चल रहा है तो और इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं पोको F1 में कैसे बैटरी बैकअप को ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिक्योरिटी दिखाई देगा, यहाँ से बैटरी यहाँ पर है, अगर आप टैप करेंगे तो बैटरी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे कि अभी 65% बैटरी बैकअप बचा है, तो एनालाइज बैटरी यूसेज पर टैप करेंगे तो बेसिकली वो स्कैन करके आपको यहाँ पर डिटेल में बताएगा कि कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, एक्चुअली अभी इतने सारे इसमें एप्लीकेशंस नहीं है, अगर आप ढेर सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैटरी यूसेज के नीचे यहाँ पर है ना तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, व्यू बैटरी रैंकिंग इस पर टैप कीजिए, यहाँ पर आपको बताएगा कि कौन सा बैटरी ज़्यादा खा रहा है, कौन सा एप्लीकेशन। मतलब फॉर एग्जांपल अभी देखिए आप कुछ फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कौन सा एप्लीकेशन उसमें ज़्यादा बैटरी बैकअप ले रहा है। एंड उसको क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए आप इंस्टाग्राम अभी के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जस्ट आपको एक बार टैप करना है एंड यहाँ पर फोर्स स्टॉप करके है ना उस पर आपको एक बार टैप करना है। एंड उसके बाद वो क्या होता है, एप्लीकेशन बिल्कुल स्टॉप होगा, जब भी आप फिर से वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तब भी रन होगा, ना कि बैकग्राउंड में ऐसे ही रन होके बैटरी को खाता रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि कैश मेमोरी करके रहता है मोबाइल में, अगर मान लीजिए आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो जल्दी से फटाफट बैक लेने के बाद फिर से एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो जल्दी से ओपन होना है ना, तो इसके लिए क्या किया रहता है, कैश मेमोरी में सारे उसके डेटा रिलेटेड जो भी होता है एप्लीकेशन के वहाँ पर देते हैं एंड उससे बैकग्राउंड में रन होके एप्लीकेशन आपका बैटरी जो है कंज्यूम होता जाएगा, उससे बैटरी बैकअप खराब होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी ऐप्स यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको फोर्स स्टॉप कर दीजिए। अभी एंड्रॉयड सिस्टम, एंड्रॉयड को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारे अपने जो भी एप्लीकेशंस है वो रहते हैं उसको फोर्स स्टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज और एक बहुत अच्छा ट्रिक है, देखिए यहाँ पर सेटिंग्स का मार्क है तो इस पर एक बार टैप करना है आपको एंड यहाँ पर टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। इसका मतलब यह है कि जब भी मैं डिवाइस को लॉक करता हूँ तब मोबाइल डेटा जो रहता है इंटरनेट मोबाइल का तो अपने आप ऑफ कर देता है, जब भी आप ऑन करेंगे अनलॉक करेंगे मोबाइल को तो ऑटोमेटिक ऑन कर लेता है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है बैटरी बचाने के लिए। तो अगर आपको पता नहीं था तो अभी देखिए इसको एक बार टैप करके इन 5 मिनट्स और इन 10 मिनट्स पर आपको टैप करना है डिपेंडिंग ऑन आपके यूसेज। बाई डिफ़ॉल्ट नेवर करके रहेगा तो चेंज करके आप इन 5 और इन 10 मिनट्स करके टैप कर दीजिए। तब क्या होता है, अगर मैं डिवाइस लॉक करता हूँ तो मोबाइल डेटा 5 मिनट्स के बाद अपने आप ऑफ हो जाता है, जब भी मैं अनलॉक करता हूँ मोबाइल डेटा ऑटोमेटिकली ऑन होता है। तो वैसे भी आप बैटरी बैकअप ज़्यादा कर सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। इसका मतलब यह है कि जैसे कि मैंने बताया कैश मेमोरी में ढेर सारे डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है ताकि जब भी आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो झट से ओपन होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको भी आप इन 5 मिनट्स रख दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट नेवर रहेगा तो उसको चेंज करके इन 5 मिनट्स रखना है आपको। तब क्या होगा, मैं जब भी डिवाइस को लॉक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली कैश मेमोरी क्लियर करके आपको स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा एंड बैटरी भी ज़्यादा बैकअप मिलेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसको आप यूज़ करना आज से स्टार्ट कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका बैटरी बैकअप इम्प्रूव हुआ है या नहीं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट और एक बात देखिए, यहाँ पर ऐप बैटरी सेवर करके है, इस पर एक बार टैप करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को पता नहीं। यहाँ पर देखिए बैटरी सेवर, तो ऐसे क्या होता है, इसमें ढेर सारे जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वो रहेगा एंड इसमें अगर आप मान लीजिए पावर पॉइंट यूज़ नहीं करते हैं तो बेकार में बैकग्राउंड में रन होता रहेगा तो बैटरी ऑब्वियसली खाएगा ना वो। तो इसलिए क्या करना है आपको, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पर टैप करना है एंड ओके। ऐसे आप सारे ऐप्स को कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मी स्टोर का है उसको भी रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी, वैसे यूसी ब्राउज़र रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी। इसे क्या होता है, बेसिकली एप्लीकेशंस जो है बैकग्राउंड में रन नहीं होगा एंड जब भी आप जनरली जाके ऐप्स में ओपन करेंगे तो तभी जाकर ओपन होगा
जो भी ऐप्स होता है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। आप करके ज़रूर देखिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बैटरी बैकअप आपका ज़्यादा हुआ है या नहीं। एंड आप सेटिंग्स से भी बैटरी यहाँ पर जा सकते हैं, वहीं आपको मिलेगा, वहीं बैटरी यूसेज रिलेटेड यहाँ से भी आपको सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं था तो अभी से आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे ही बैटरी सेवर है, तो इसको भी आप ऑन करके थोड़ा बूस्ट दे सकते हैं बैटरी बैकअप को। तो इतने सारे सेटिंग्स हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि कैसे बैटरी को आप बचा सकते हैं, बैटरी बैकअप ज़्यादा कर सकते हैं अपने पोको फ़ोन हो या कोई भी शाओमी मोबाइल्स में हो। तो ऐसे ही ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।